तो कल विजयदशमी पर्व पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उज्जैन में भी परंपरागत रूप से दशहरा मैदान में विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। इस पर्व में शामिल होने के लिए शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और वहां होने वाली शानदार आतिशबाजियों ने सभी का मन मोह लिया। रावण दहन के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन में रावण दहन का मुख्य आयोजन दशहरा मैदान पर किया गया। दशहरा मैदान पर रावण दहन का आयोजन पिछले 56 सालों से किया जा रहा है। इस दौरान 101 फीट ऊंचे पुतले का निर्माण किया गया और रावण दहन के चलते यहां पर रंगारंग आतिशबाजी की गई। इस बार रावण दहन में खास बात यह थी कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए दशानन के पुतले को छतरी भी लगाई गई थी, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। रावण दहन के पूर्व उसके सिर से सुंदर आतिशबाजी की जा रही थी। इस दौरान काफी लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। सर्वप्रथम यहाँ पर बाबा महाकाल जी की सवारी आती है और बाबा महाकाल जी का और शमी का पूजन होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ विजयदशमी का पूरा पर्व का आयोजन होता है और रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया जाता है। उसी परंपरा अनुसार इस बार भी बाबा महाकाल जी की सवारी की पूजा के बाद रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ। यह हम लोग हर वर्ष पिछले 56 सालों से स्वर्गीय लाला अमरनाथ जी की स्मृति में यह आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जाता है और यह हमेशा से ही परंपरागत तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम होता है। आप देख रहे हैं हजारों हजार जनता के बीच, उज्जैन के नगर वासियों के बीच में यहाँ पर अतिशीघ्र रावण दहन होने जा रहा है। आतिशबाजी का शानदार आयोजन यहाँ पर हो रहा है। बरसात को देखते हुए अब की बार विशेष रूप से रावण को छतरी उपलब्ध कराई गई थी, जिससे कभी इंद्र भगवान की कृपा हो तो रावण अपना बचाव कर सके और राम जी उसका वध कर सके। वहीं उज्जैन में रावण दहन का आयोजन शिप्रा तट स्थित कार्तिक मेला प्रांगण में किया गया। उज्जैन के शिप्रा तट स्थित मैदान पर करीब 35 वर्षों से विजयदशमी महोत्सव समिति के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है और यहां पर 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया गया। रावण दहन के पहले यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और खास बात ये थी कि इस रावण दहन में भी दशानन के पुतले को छतरी लगाई गई। यहाँ पर शानदार आतिशबाजी की गई है जो सिर्फ यहीं पर देखने को मिलती है। यह एक बुराई पर अच्छाई की जीत है जो हर साल हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। रंगीन आतिशबाजी हुई, बहुत ही आनंद आया और राम लक्ष्मण जी और हनुमान जी बहुत ही भव्य आकर्षक रूप में आते हैं। महाकाल बाबा की सवारी भी बहुत अच्छी रहती है। ये सब चीज़ बहुत ही हम लोगों को आकर्षित करती है, इसलिए हर साल हम लोग यहीं पर आते हैं। हैप्पी दशहरा। सभी नगर वासियों को विजयदशमी महोत्सव समिति द्वारा आयोजित किए गए इस कार्तिक मेला प्रांगण में रावण दहन के कार्यक्रम में आए उनका आभार और पूरे शहर नगर वासियों को स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव विजयदशमी महोत्सव समिति के द्वारा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज की आतिशबाजियाँ बड़ी ही रोचक रहीं और आतिशबाजी का मुजाहरा लोगों ने लिया, खूब बच्चों ने आनंद उठाया और ख़ास तौर से ग्वालियर के हमारे आतिशबाजी थे जिन्होंने सारी आतिशबाजी का आयोजन किया। आकाशीय आतिशबाजी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा।